ये हमने फैब्रिक ले लिया है। फैब्रिक को हम ऐसे सीधा करते हुए मेज़रमेंट ले लेंगे। यहाँ पे मैंने 10.5 इंचेस का ये ऊपर का जो चोली का पार्ट है वो ले लिया है। इसके बाद हम नीचे फ्रॉक का पार्ट लेंगे, वो 12 इंचेस का मैंने ले लिया है यहाँ पे। इसके बाद हम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है और नीचे की साइड मैंने यहाँ पे एक फैब्रिक जो हम अस्तर बोलते हैं वो मैंने लगा लिया है। इसके बाद हम ऊपर की साइड यहाँ पे लास्टिक डालेंगे और जो ये हमारा फोल्डेड साइड है यहाँ पे भी हम लास्टिक डालेंगे। दोनों साइड हमने लास्टिक डालनी है। यहाँ पे लास्टिक मुझे मैं यहाँ पे लास्टिक 21 इंचेस की लूँगी। 21 का मैं इसको हाफ हाफ कर लूँगी, 10.5 इंचेस की, जैसे कि मेरी यहाँ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हो जाए। और इसमें हम इसको थोड़ा सा लास्टिक को खींचते हुए ऐसे डाल दें तो मैं 10.5 इंचेस वन साइड यहाँ पे लूँगी। ये हम फैब्रिक के ऊपर की साइड यहाँ पे इसको खींचते हुए लास्टिक को इधर डाल देंगे। ये मेरी दोनों साइड लास्टिक डल के रेडी हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे फिटिंग लगा देंगे, इधर साइड से हम फिटिंग लगा देंगे। हमारी दोनों साइड फिटिंग लग के रेडी हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे इस पे स्ट्रिप लगाएंगे, ऊपर की साइड हम स्ट्रिप लगाएंगे। ये हमारा जो स्ट्रिप का फैब्रिक बचा हुआ है इसको हम दोनों साइड से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम अटैच कर देंगे। ये हमारी ड्रेस बन के रेडी हो गई है।